आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चोरों के अंदर नहीं रहा अब पुलिस का खौफ। चोरों ने सदर कोतवाली के पास बैंक को बनाया अपना निशाना। बेखौफ चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चोरी करने के बाद छात्र चोर मौके से फरार होने में भी सफल हो गए हैं। वहीं पुलिस को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी है। सूचना के बाद सीओ सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सदर कोतवाली के पास बैंक ऑफ इंडिया का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां पर इस वक्त अपराधी जो है वो बेलगाम होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों के अंदर अब पुलिस का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। चोरों ने सदर कोतवाली के पास बैंक को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि बेखौफ चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कन्नौज में मोहम्मद याकूब के मदई आवास में रुपयों की काउंटिंग हुई है खात्मा। बैंककर्मी नोट गिनने की मशीन लेकर फिलहाल बाहर निकल चुके हैं। बैंककर्मी की माने तो 4 से 6 करोड़ की जो नगदी है वो बरामद की गई है, साथ ही कुछ मात्रा में गोल्ड भी बरामद किया गया है। इनकम टैक्स टीम की जांच फिलहाल जारी बताई जा रही है इस पूरे मामले में। तो कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद अब मोहम्मद याकूब के मदई आवास में जो रुपयों की काउंटिंग है वो इस वक्त खत्म हो गई है। आपको बता दें कि बैंककर्मी नोट गिनने वाली मशीन लेकर बाहर निकले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बैंक कर्मियों की इस वक्त माने तो 4 से 6 करोड़ की नगदी जो है वो इस वक्त बरामद की गई है। इसके अलावा कुछ मात्रा में जो सोना है वो भी मोहम्मद याकूब के घर से बरामद किया गया है। इनकम टैक्स टीम अभी भी जारी इस पूरे मामले की जो जांच है उसमें लगी हुई है। और इसी बीच अयोध्या से आपको बड़ी खबर हम आप बताने जा रहे हैं, जहां पर जनपद में इस वक्त कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने से वहां हड़कंप मच गया है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। पूरा ब्लॉक क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र में ये मरीज पाए गए हैं। फिलहाल मरीजों को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। तो अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें 2 और संक्रमित मरीज जो है वो मिले हैं, वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। पूरा ब्लॉक क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र में ये मरीज जो है मिले हैं। फिलहाल मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और इसी बीच सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गिराई अपने पद की गरिमा। खुले मंच से सदर विधायक का पैर छूकर उन्होंने स्वागत किया है। सीएमओ ने पैर छूकर सदर विधायक का स्वागत किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी के साथ है वायरल। कल का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर कार्यक्रम एक आयोजित किया जा रहा था। इसके दौरान डॉक्टर एके सिंह का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है सिद्धार्थनगर के हैं, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने ही पद की गरिमा को गिरा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक खुले मंच से सदर विधायक के पैर छूते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।